Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, माइसेल्फ डॉक्टर आनंद, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ड्राई फ्रूट के बारे में जिसका नाम है किशमिश। आप सभी जानते हैं किशमिश के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किशमिश क्या होता है और ये किस तरीके से हेल्प करता है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक ताकि आपको पता चल सके किशमिश के फायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ अगर आपने आपको अपने अपने फैमिली मेंबर का किसी का भी ट्रीटमेंट करवाना है, इलाज करवाना है, तो आप हमारी क्लिनिक के नंबर 9305024291 पे व्हाट्सअप करके, कॉल करके, स्टाफ से कॉन्टेक्ट करके अपनी फैमिली मेंबर के लिए अपने लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट या इलाज करवा सकते हैं। तो चलिए, जैसा मैंने बोला कि हम बात करेंगे किशमिश के बारे में, तो किशमिश होता क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। किशमिश अंगूर, जैसे आप जानते हैं अंगूर एक फ्रूट है, उसी का ही सूखा हुआ वर्जन, यानी कि अंगूर को सूखा करके ही किशमिश बनाया जाता है। तो ये जो फ्रूट था वो अब बन चुका है ड्राई फ्रूट। किशमिश जो है हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि किशमिश में बहुत सारे मल्टी विटामिन्स, सोडियम, फाइबर से भरपूर रहता है, जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो किशमिश है वो किन किन प्रॉब्लम को दूर करता है हमारे शरीर से। नंबर वन पे आता है कैंसर। आपने देखा होगा कैंसर के जो भी पेशेंट होते हैं उनको जो डॉक्टर वो सजेस्ट करते हैं कि आप किशमिश लीजिए। किसके साथ लीजिए? दूध के साथ, मिल्क के साथ लेंगे, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि किशमिश में आपको कैटेचिन नामक पदार्थ मिलता है, उसमें पाया जाता है, जो कि फ्री रेडिकल जो डैमेज होता है जिसके कारण ही कैंसर पनपता है, कैंसर बनता है, उसको ये दूर करता है। इन शॉर्ट फॉर्म बताऊँ कि सोच लीजिए एक डैमेज हो रहा है, फ्री रेडिकल डैमेज होता है हमारी बॉडी में जिससे कैंसर सेल्स बनती हैं, जिनसे कैंसर का जन्म होता है, उसको ख़त्म करने के लिए किशमिश के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैटेचिन। तो कैटेचिन को बनेगा कैसे हमारी बॉडी में? कैटेचिन के लिए आपको खाना पड़ेगा किशमिश और दूध। तो किशमिश को आप दूध में मिलाकर पियेंगे तो आपको इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और जो कैंसर इनको हो चुका है उनको भी काफ़ी हद तक आराम मिलेगा और इससे आपको एक डिफेंस मैकेनिज्म भी मिलेगा, इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी जिससे आपको कैंसर की प्रॉब्लम ना हो सके। अगली प्रॉब्लम या बीमारी की बात करें तो आती है डाइजेशन। आपने देखा होगा जिनका डाइजेशन वीक रहता है, कमज़ोर रहता है, पेट बहुत कमज़ोर रहता है, कुछ भी बाहर का खा लिया, अपच हो गई, पेट सही से हजम नहीं कर पा रहा है खाने को, तो उनको भी डॉक्टर से ये सजेस्ट करते हैं कि आप किशमिश को दूध में मिलाकर आप पियेंगे तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा हेल्प मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम लोग हमेशा जो है पेशेंटों को बोलते हैं अपने कि आप फाइबर युक्त भोजन करिए, फाइबर युक्त खाना खाइए। तो फाइबर आपको कहाँ मिल रहा है? आपको फाइबर मिल रहा है किशमिश में, प्लस दूध में भी आपको पर्याप्त मात्रा में फाइबर मिलता है। तो ये दोनों ही चीज़, किशमिश और मिल्क यानी कि दूध, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर युक्त होता है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है, आपके डाइजेशन को दूर करता है। अगली अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो अगली प्रॉब्लम आती है मेल प्रॉब्लम। मेन जो है पुरुषों के लिए काफ़ी अच्छे मददगार है, ऐसे पेशेंट जिनको कि न्यूली मैरिड कपल हैं, जिनको कि प्रॉब्लम हो रही है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की, स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म मोर्टैलिटी रेट बहुत कम है, स्पर्म की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको देखिए बोला जाता है कि आप किशमिश खाइए, भिंगो कर खाइए। बहुत सारे लोग पानी में भिंगो के खाते हैं, पर मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप दूध में किशमिश को मिक्स करके आप लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन से मुक्ति मिल सकती है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में आपको काफ़ी अच्छा हेल्प मिलेगी, इसके साथ साथ आपको स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की क्वांटिटी और स्पर्म की मोर्टैलिटी, इन तीनों चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। अगली प्रॉब्लम की हम बात करें तो अगली प्रॉब्लम आती है ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी।
बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि आपने हाई बीपी या लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उनका जो मेन का होता है वो ये होता है कि बॉडी में सोडियम की इम्बैलेंस रहती है, कभी सोडियम ज़्यादा हो जाता है कभी सोडियम कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंटों को कि जो लोग किशमिश और दूध को मिक्स करके आप लेंगे, आप इसको रात में सोने से पहले लीजिए, तो आपकी बॉडी में सोडियम की मात्रा भी काफ़ी अच्छी रहेगी, बैलेंस रहेगी और आपको बीपी की कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। अगली हम बात करें प्रॉब्लम की तो आती है आई साइट की। बहुत सारे लोगों को कमज़ोर हो जाती है, उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती है, ख़ासतौर से ऐसे लोग जिनकी उम्र 40 साल 50 साल होती है, उनमें आपने देखा होगा कि चश्मा ज़रूर लग जाता है। वैसे आजकल चश्मा तो बहुत पहले लग जाता है, 25 साल 30 साल की उम्र में चश्मा लग जाता है, बट यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिनकी स्टार्टिंग में आई साइट वीक हो रही है, आँख कमज़ोर रही है, वो क्या करें। तो अगर आपकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, आपको हल्का हल्का हेडेक हो रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको चश्मा लगने वाला है, तो आप कुछ दिन इसको ज़रूर ट्राई करिए। आप किशमिश को दूध में मिला के रेगुलर बेसिस पे लीजिए रोज़ रात में, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी आई साइट भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसके साथ साथ एज ए होल हमारी पूरी बॉडी के लिए किशमिश काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि किशमिश में बहुत सारे मल्टीविटामिन, ग्लूकोज लेवल, विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है प्लस इम्यूनिटी भी प्रदान करता है, यानी कि आपको एनर्जेटिक भी रखेगा प्लस इम्यूनिटी भी प्रदान करेगा, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर मैंने बात किया किशमिश की कि किशमिश को आप कैसे ले सकते हैं, दूध के साथ लेने में किशमिश के क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया कि इलायची को अगर आप दूध के साथ लें तो उसके फ़ायदे क्या मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी वीडियो है, नॉलेजबल वीडियो है और विदाउट एनी मनी को खर्च किए या विदाउट एनी साइड इफेक्ट के आपको घर में आपको किशमिश मिल जाएगा। आप या मार्केट से थोड़ी सी किशमिश लेके आएंगे, दूध में रोज जो है मिक्स करिए, रात में दूध पीजिए उसके साथ मिक्स करिए और आप आराम से खा सकते हैं, पी सकते हैं दूध को, इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।